सजना है मुझे सजना के लिए जरा उलझे लटे सरार दूं हर हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ, जो बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मेरा काम यही है कि आप लोग बस भर भर के रिक्वेस्ट करते रहिए और मैं उसको कंप्लीट करती रहूँगी। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे मेरा थंबनेल टाइटल देखिए, आप सब कुछ समझ गए होंगे कि मैं वीडियो क्या लेकर आई हूँ। तो मैं पॉइंट पर आ जाती हूँ। मैं बहुत सारे कलेक्शन लेकर आई हूँ, ये देखिए बिंदी के, सॉरी मैं उल्टा लिखा, हाँ सीधा है, ये देखिए बहुत सारी बिंदी है, अलग अलग ब्रांड की है मेरे पास। मैं बिंदी की रिक्वेस्ट आई थी, तो कोई सी एक दो बिंदी छोड़कर मैंने मार्केट से मतलब एक दो खरीदी है, अदरवाइज सारा मेरे पास में घर में ही कलेक्शन था। जैसे हम घर पे जाते हैं तो मम्मी लोग कपड़े देते हैं ना हम लोगों के लिए, तो उसमें बिंदी रख के देना, या फिर मेरी शादी के बहुत सारे कलेक्शन रखे हुए थे अभी तक जो मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती थी, तो वो सारी आज मैं बिंदी यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि ये सारे कलेक्शन मैं दिखा रही हूँ। अलग अलग ब्रांड है, ब्रांड सेम नहीं है, ये देखिए अलग अलग है, डिज़ाइन सबका अलग अलग है। हाँ, ये जो शिल्पा करके है ये मैंने अभी ख़रीदी है, क्योंकि इसका साइज़ लेने के लिए, इसका साइज़ जो मैंने अभी लगाई हुई उससे बिग है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ भी लेके आई हूँ मैं इसमें बिंदी का, और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन भी लेके आई हूँ। जो रेगुलर साइज़ होता है बिंदी का मेरा, जो मैं लगाती हूँ घर में नॉर्मली, वो ये है, और जो मैंने अभी लगाई हुई है ये है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ जो मैंने लगाई हुई है, मैं किस तरीके की बिंदी यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से जो बुकलेट टाइप की होती है, ये इस तरीके से होती है, और इसमें ये लगी हुई थी, ये मेरी बेटी ने सब हटा दी है, ये इसके अंदर लगी हुई थी अच्छे से। तो ये साइज़ जो मैंने अभी लगाया हुआ है, ये बिंदी मैंने फिलहाल ये साइज़ है इसका, या फिर इसके अलावा भी एक छोटी सी डब्बी में बिंदी आती है, देखिए इस तरीके से, इसमें बहुत सारी कलरफुल बिंदी है, और ये 30 रुपये की है, ये 30 रुपये की। कोई भी कलर अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर का लगाना है, अगर आप इस तरीके से इसको लेंगे तो एक ही कलर मिलेगा, या तो सारा पिंक रेड, मल्टी कलर बहुत मुश्किल से मिलता है इसमें, और ये छोटी छोटी सी इस तरीके से डब्बियाँ लेंगे तो इसमें सारे कलर की बिंदियाँ मिल जाएंगी, ऑल साइज़ मिल जाएंगे आपको। तो ये बिल्कुल एकदम छोटकू सा साइज़ है, तो इसको भी मैं कभी कभी लगाती हूँ, आपने वीडियोज़ में देखा होगा। तो जो मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ वाला बिंदी है वो यही है कि मैं एक तो ये वाला लगाती हूँ और एक ये वाला लगाती हूँ। वैसे इसमें ऑल साइज़ मिल जाएंगे, इसमें साइज़ पूरा लिखा हुआ है कि कौन कौन सा साइज़ आपको चाहिए, और इसमें पूरे नंबर साथ में, और इसमें भी पूरा साइज़ लिखा रहता है कि कौन सा साइज़ है। ये देखिए, ये 6 नंबर का साइज़ है पीछे में इसमें लिखा हुआ है, और ये है 3 नंबर का साइज़ ये, और जो ये इस तरीके से बिंदी है, ये जितनी भी इस तरीके से बिंदी है, इनमें कोई साइज़ नहीं लिखा रहता है, इसमें ऐसे मिल जाता है, क्योंकि फैंसी बिंदी है और इनकी कोई गारंटी भी नहीं होती कि एक बार लगा के आप इसको 2-3 बार यूज़ करें, क्योंकि फैशन की कोई ब्रांड नहीं होती है, बस उसको आप यूज़ करिए और इस तरीके से। तो चलिए मैं इनको लगाने चल रही हूँ, सब आपको 1 बाय 1 लगा के दिखा देती हूँ, और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगी कि अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना विद घंटी बेल, और चलिए मैं स्टार्ट करने चलती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो बिंदी लगाई हुई है ये प्लेन लगाई हुई है, ये देखिए, ये शायद मेरी ड्रेस से मैचिंग है इसलिए मैंने इसको लगाई है, या फिर मेरे नेल पेंट से मैचिंग, या फिर मैं कोई भी बिंदी लगा लेती हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि मैचिंग से ही लगाऊँ। तो अभी मैं इसको रिमूव करने जा रही हूँ और मैं लगाने जा रही हूँ अभी ये इसकी बिंदी के साइज़। वैसे मैं साइज़ में साइड में दिखाती रहूँगी कि क्लियरिटी नज़र आए, मैं कोशिश यही करूँगी। ये देखिए इस तरीके की ये बिंदी है, ये पूरे मेहरून कलर की है और पूरे स्टोन स्टोन इसमें लगे हुए हैं, तो मैं फिलहाल इसको उतारने जा रही हूँ, उतार देती हूँ मैं, और अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ। कौन सी बिंदी आपको अच्छी लगेगी, कौन सी मिनट पर, या कौन से कितने नंबर पर, अगर आप काउंट करें, क्योंकि मैं तो बिना काउंट के ही लगाऊंगी, तो आप ज़रूर बताना मुझे। ये देखिए मैरून कलर की बिंदी है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टोन स्टोन है, या शायद क्लियर दिख रहा होगा, ज़्यादा क्लियर दिखाऊंगी तो मेरे फेस पे जितने भी छोटे छोटे पिंपल्स निकले हुए हैं ना, ये देखो वो सारे नज़र आ जाएंगे, क्योंकि आजकल मैं मैंगो इतना खा रही हूँ, और मैंगो से मुझे पूरे फेस पर हल्के हल्के से, और वैसे गर्मी भी बहुत है, तो सारे पिंपल्स निकल गए। तो ये देखिए एक बिंदी जो मैंने 1st नंबर पर लगाई वो इस तरीके से है, और ऑलमोस्ट सभी ड्रेस पे चल जाएगी, बहुत अच्छी है। जैसे हैवी साड़ी पहन रहे हैं, लहंगा पहन रहे हैं, या रेगुलर में आपको यूज़ करना है, या न्यू ब्राइडल्स होती हैं उसको यूज़ करना है, तो काफ़ी मतलब अच्छी। अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, सॉरी आप लोग माइंड मत करना, क्योंकि अगर मैं बिना एक्सप्लेन के इनको जल्दी जल्दी लगाऊंगी तो आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये देखिए, वैसे मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगी, तो इसका डिज़ाइन इस तरीके से है। अब मैं जो नेक्स्ट यूज़ करने जा रही हूँ इसको मैं उतार देती हूँ। अब मैं ये देखिए, इसको मैंने उतार दिया है। अब मैं जो नेक्स्ट यूज़ करने जा रही हूँ वो है ऐसी ही लंबी है, इस तरीके की बिंदी मैंने कभी यूज़ नहीं की है। हाँ, मुझे बहुत सारी जैसे कपड़े
मतलब मिलते हैं ब्राइडल्स को, जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो उस पर बहुत सारी बिंदी ऐसी मुझे मिली है, लेकिन मैंने कभी लगाई नहीं है इस तरीके से बिंदी। तो आज लगाने जा रही हूँ तो मुझे भी पता लग जाएगा आखिर ये फेस पे लगेगी कैसे, क्योंकि ये थोड़ी लंबी में है और मैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट, ये देखिए ये इस तरीके से है, लंबी है और ये इसका इस तरीके से डिज़ाइन मतलब जो लुक आने वाला है वो ये आने वाला है। शायद थोड़ा सा ऊपर करके लगाना रहेगा, हाँ शायद ऐसे। ये देखिए अब मुझे थोड़ा सा पसीना आ रहा है, बिंदी चिपकने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे नहीं चला पाऊंगी क्योंकि मेरी वॉइस भी बहुत धीमी हो जाती है। और ये देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन आ रहा है, मैरून है, मैरून के ऊपर में डिज़ाइन दिया हुआ है हल्का फुल्का, टेढ़ी बिंदी नहीं लगाई हुई मैंने, सीधा लगाया हुआ है, लेकिन इसका डिज़ाइन इस तरीके से कि मुझे लग रहा है कि टेढ़ी लगाई हुई है। ये देखिए इसका डिज़ाइन ही इस तरीके से है ना। तो चलिए मैं अब इसको भी उतार देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा सा फिक्र है आप लोगों की वीडियो लेंथ का भी। और अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल सी है, छोटे छोटे से देखिए स्टोन के साथ में दिए हुए हैं डिज़ाइन के साथ में, तो ये तो मैं इस तरीके की भी लगा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए मैं अभी इसको लगा लेती हूँ, सब बिंदी मैं आपको दिखाती रहूँगी साइड में। और इनका प्राइस का किसी का भी मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है ना, इनका किसी का भी प्राइस का नहीं पता, इनका पता ही शायद 10-10 रुपए में है। ये देखिए इसका जस्ट एक सिंपल लुक है, जैसे रेगुलर में कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इवन अनमैरिड भी यूज़ कर सकती है, कहीं ही जगह तो अनमैरिड भी बिंदी लगाती हैं तो उसको यूज़ कर सकती हैं। देखिए इस तरीके से डिज़ाइन। और अब मैं इसके बाद में फिर दूसरे वाला लगाने जा रही हूँ, ये थोड़ा सा हैवी है जैसे ब्राइडल के लिए है, तो अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ। एक मिनट, मैं अलग से मिरर नहीं लेके बैठी हूँ तो मैं मोबाइल में ही देख के लगा रही हूँ। ये देखिए मैंने ये वाली बिंदी लगाई है, इसका डिज़ाइन इसमें कुछ और है और फेस पे ही मोबाइल में क्लियरली नहीं दिख रहा है, ये डिज़ाइन है। वैसे अच्छा लग रहा है जैसे ब्राइडल अगर इसको यूज़ करे, और मैंने सिर्फ बिंदी की वजह से आज थोड़ा सा कान में भी चेंज करके आई हूँ और इसके साथ का गले में भी पहन के आई हूँ गर्मी के मज़े ले रही हूँ पूरे, तो ये वाला है। अब मैं इसको चेंज कर देती हूँ, अब दूसरा लगाने जाती हूँ। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये वाला, ये देखिए ये थोड़ा सा लंबा है और बहुत थिन भी है, तो मैं इसको उतार लेती हूँ। इनका जो चिपकाने वाला सिस्टम है ना, वो मुझे लगता है ओनली वन टाइम है, उसके बाद में चिपकेगा ही नहीं। और ये लंबा लंबे का ना टेंशन बहुत रहता है कि इनको सीधा ही लगाइए। ये देखिए ये तो थोड़ी कुछ ज़्यादा ही लंबी लग रही है, लेकिन अच्छी लग रही है नो डाउट, जैसे कोई ब्राइडल कोई भी ऐसे यूज़ करे, फेस्टिवल में रेगुलर भी यूज़ कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं जो लंबी बिंदी लगाते हो वो रेगुलर में भी इसको यूज़ कर सकता है। मैं बोलती बहुत हूँ, चुपचाप होकर दिखा देती हूँ, है ना, बोल के मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, पहले मैं चुपचाप दिखाऊंगी फिर नहीं बोलूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे उस पर भी ध्यान देना पड़ रहा है। अब ये है, ये भी थोड़ी लंबी में है लेकिन कलरफुल है, तो अभी मेरे इस पर या तो ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर मैच करेगा, या फिर रेड कलर मैच होने वाला है, तो बताओ कौन से वाले लगाऊं। सारी रेड रेड लगा रही, तो अब थोड़ी ग्रीन लगा देती हूँ, ठीक है ना, ये ग्रीन लेकिन उतर भी नहीं रही है इसमें से, इसमें बहुत ही प्यारा रोज बना हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा रोज बना हुआ है, बहुत प्यारा रोज बना हुआ है। और ये देखिए थोड़ा सा सीधा लगा लेती हूँ, हाँ ये है, जितनी अच्छी है इस पे लग रही थी इतनी अच्छी है फेस पे नहीं लग रही है। ये देखिए इस तरीके से है, एक मिनट, जितनी अच्छी है इसमें लग रही है इतनी अच्छी है मुझे फेस पे नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन हाँ नो डाउट जैसे यूज़ करना है तो ये देखिए ये काफ़ी ऊंचे तक उठा हुआ है, डिज़ाइन वाला है, अच्छा लगा मुझे, ऐसी बात नहीं है। आप लोग जो रेड में अगर लगाती तो शायद इसका अलग लुक आता, ग्रीन में लगा रही हूँ लेकिन मैचिंग मैचिंग में तो अच्छा लग रहा है, जैसे ग्रीन है तो मैचिंग अच्छा लग रहा है, या फिर ये ज़्यादा ग्रीन हो गया है, तो अब मैं इसको भी उतार देती हूँ, अब मैं दूसरे वाली लगाती हूँ। अब ये देखिए ये मैं इस वाली शेप को लगाने जा रही हूँ, ये सब एक ही कलर है, मल्टी कलर नहीं है। ये देखिए ये इसका डिजाइन इस तरीके से आने वाला है, आई थिंक समझ गए होंगे। ये देखिए
तो अच्छा लग रहा है ये भी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कुछ कि मोबाइल में इतने अच्छे से क्लियरिटी नहीं नज़र आती है, बट कुछ या तो मुझे मोबाइल को अपने उस तरीके से फिक्स करना नहीं आ रहा हो सकता है, क्योंकि ये देखिए वरना बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसका। इस ये बिंदी वैसे बहुत अच्छी लग रही है मुझे, एकदम छोटी सी है और बहुत ही प्यारी है ये वाली, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसका लुक नहीं आ रहा है। और अब मैं लास्ट वन दिखा देती हूँ ये वाली। अब सोच रहे हूँ ये पहले दिखाई है, पहले नहीं दिखाई, पहले ज़्यादा स्टोन वाली थी ये, थी थोड़ी बड़ी थी और ये बहुत छोटी सी इसके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ, मेरून कलर में है और काफ़ी सारे स्टोन्स लगे हुए हैं इसमें। ये देखिए इसका भी लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्पेशली मैंने जो अपनी शादी में बिंदी लगाई थी वो थोड़ी सी बड़ी और इसी तरीके से थी, मतलब एक ही बिंदी आई थी वो डब्बी में, एक ही डब्बे में और एक ही बिंदी थी वो। और जितने भी उसके फोटोज आ रहे हैं ना, वो बिंदी का लुक इतना प्यारा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा लगा फोटो में स्पेशली। तो इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा था लेकिन, तो वो सेम इसी तरीके से था, वो एक ही बिंदी उसमें लगी हुई थी। तो अभी फिलहाल है नहीं वरना दिखा देती। तो ये देखिए ये भी अच्छा लगा मुझे, डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगा है और रेगुलर यूज़ कर सकते हैं इसको, तो बहुत प्यारा लगा है। अब जो लास्ट वाला मैं लगाने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपली है ये वाला, ये देखिए। तो इसको तो हम छोटा सा बस उतारेंगे और इस तरीके से लगाएंगे रेगुलर यूज़ के लिए, ये देखिए। लेकिन मेरी बेटी तो बिंदी छोड़ती नहीं क्योंकि उसको भी चाहिए, तो ये बच्चों को भी लगा सकते हैं, तो मैं बच्चों को भी लगाती रहती हूँ। और देखो जहाँ जहाँ से मैं बिंदी बार बार उतार रही हूँ, बार बार लगा रही हूँ, मतलब मेरा फोरहेड भी पूरा रेड हो गया है सिर्फ बिंदी लगाने और उतारने में ही। तो ये इस तरीके से है, ये बिंदी लगाइए। अब लास्ट जो लगाने जा रही हूँ वो मीडियम साइज लगाने जा रही हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल मीडियम साइज है और मेहरून कलर की है। ये मैं रेड कलर में भी लगाती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छी बिंदी लगती है और रेगुलर में मैं इसको ही यूज़ करती हूँ, बहुत प्यारी लग रही है देखिए। अब मैं इसके बाद में जो सबसे बड़े बिग साइज लेके आई हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, ये वाला। अभी तक मैंने इतना बड़ा बिंदी नहीं लगाया है, जो लगाती हूँ दूसरे वाला जो फर्स्ट में लगाया हुआ था, अब मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ। तो चलिए मैं इसको ट्राई करती हूँ। मैं इतनी बड़ी बिंदी नहीं लगाती हूँ और सिर्फ ये और रिक्वेस्ट लगाई है और बहुत अच्छी लग रही है नो डाउट। ये देखिए ये मैंने बिंदी लगाई है, इसमें यही डिज़ाइन है, इसमें अलग अलग डिज़ाइन नहीं था। तो सबसे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन कौन सा लगा है मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं देख रही हूँ टाइमिंग भी, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और उसके लिए सॉरी यार, इतना सारा टाइम आप लोगों का मैंने ले लिया है। लेकिन बिंदी अगर कलेक्शन लेके आना है तो फिर तो कुछ ना कुछ तो टाइम जाएगा ही ना। तो अब ये वाला है और मैं अब फाइनली लगा लेती हूँ अपने वही वाली जो मैंने पहले लगाई थी, वो इससे थोड़ी सी छोटी है, वो इतनी बड़ी नहीं है। तो फाइनली कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा है आपको मुझे जरूर बताना। ये देखिए ये मैं बिंदी जो रेगुलर लगाती हूँ, ये इससे छोटी है डिज़ाइन में, मतलब ये बड़ी है ये छोटी है। तो ये है अभी कौन सी वाली बिंदी अच्छी लगी है मुझे सारी बताना। रिपीट में मैं कोई बिंदी नहीं दिखाऊंगी, अगर आपको रिपीट में देखनी है तो मेरी वीडियो पे ही चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं साइड में भी दिखा रही हूँ, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन सी वाली बिंदी अच्छी लगी है। चलिए ठीक है मैं चलती हूँ, बाय।